नाम है आपका? मंजू गौतम। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ था, हमको प्यार किया उसने, प्यार के झांसे में हमको विशाल सिंह ने हमको प्यार के झांसे में फंसाया। उसका नाम नवाजिज मुसलमान था, वो हमको प्यार के झांसे में फंसाया, झूठा नाम बता के हमारे 2.5 लाख रुपया ले लिया, 20,000 का फोन ले लिया। उसके साथ एक लड़का इंतजार था, एक था ये आसिम, एक था वो इरफान, 3-4 लड़के मिले हुए थे हमारा। जो सब आपसे प्रेम करता था उसका नाम क्या था? उसका नाम था नवाजिस। अच्छा, कैसे पता चला कि वो मुस्लिम है? वो उनके घर गए थे, जहाँ पे रहता है वहाँ पे किराए के मकान से रहता है, तो वो आंटी ने बताया कि वो तुमको झूठ बोला, वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था। जब हमको वहाँ पता चला, हम रोने गाने लगे, तो आंटी बोली कि पता लगाओ अब तुम, अब वो तो यहाँ से चला गया। आपको झांसा देता था? हमको प्यार का झांसा देता था, कहता था हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम पैसा दे दो, और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुमसे शादी करेंगे, तुमको हम पे भरोसा नहीं है, और जब अपनी ज़िंदगी हमको देने जा रही थी, तो पैसा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है या हमें इम्पोर्टेंट है? और अलीगंज थाने के हम चक्कर लगाते हैं, नवीन गल्ला मंडी के चक्कर लगाते रहते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, एप्लीकेशन हमने दिया है, और हमको न्याय चाहिए, योगी आदित्यनाथ से हमको न्याय चाहिए, क्योंकि मेरे साथ लव इतिहास हुआ। पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही? नहीं सुनवाई कर रही है कोई। अब क्या चाह रही हैं आप? अब ये चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, ये चारों लोग मिलके हमारे साथ, वो नवाजिस बिन हमारे साथ गलत काम किया, अब हम चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और हमारा पैसा वापस हो जाए। आप क्या काम करती हैं? हम झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, इसी से जीवन यापन करते हैं, इसी से हम अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं।